पपीते का अचार खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है, पर कुछ लोग कहते हैं कि ये जल्दी खराब हो जाता है, सालों साल तक नहीं चलता है। तो आज हम बनाएंगे लंबे समय तक चलने वाला पपीते का अचार। इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 किलो कच्चा पपीता। इसमें बीज नहीं है, अगर आपके पपीते में बीज हैं तो उन्हें ज़रूर निकाल दीजिए। अब हम इनके इस तरीके से टुकड़े बना लेंगे। आप चाहें तो छोटे छोटे टुकड़े भी बना सकते हैं। हम यहाँ पर थोड़े से बड़े पीस और लंबाई में काट रहे हैं। इसके अंदर इस तरीके से छोटे छोटे से बीज के रेशे बने हुए हैं, तो उनको निकाल देते हैं। चाकू से रगड़ते ही ये निकल जाते हैं। और हम इसका छिलका भी नहीं उतार रहे हैं, क्योंकि छिलके के साथ में ना मुझे कच्चे पपीते का अचार ज़्यादा पसंद है। आप चाहें तो इसका छिलका उतार सकते हैं, पर पपीता ना बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो इसका आप छिलका ना ही निकालें तो ज़्यादा बेहतर है। छिलके के साथ में भी पपीते का अचार बहुत स्वादिष्ट लगता है और ख़राब भी नहीं होता है। अब हम इसमें पानी डाल करके इसको रगड़ते हुए अच्छे से धुल लेंगे। ये सारा पपीता साफ हो गया है, इसे छलनी में निकाल लेते हैं। अब हमने यहाँ पर 2 लीटर पानी रखा है एक बड़े बर्तन में उबलने के लिए। पानी गर्म होने लगा है, इसमें उबाल आने लगा है। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच इसमें नमक डालेंगे। अब इसमें कटा हुआ सारा पपीता हम डाल देते हैं। ये अचार लंबे समय तक ना ख़राब हो, इसलिए आप वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। इस तरह से बना हुआ अचार सालों साल ख़राब नहीं होता है। पपीते में जो सफ़ेद तरल पदार्थ निकलता है, उसी से अचार लंबे समय तक नहीं चलता है, ख़राब हो जाता है। तो उसको हटाने के लिए हमने यहाँ पर 1 मिनट इसको बॉयल किया है। पपीते को बिल्कुल पकाना नहीं है, सिर्फ 1 मिनट हम इसे तेज आंच पर उबलते हुए पानी में डालेंगे और इसे निकाल लेते हैं। बस 1 मिनट हमने इसको पकाया है, लगभग ये 10% पका हुआ है बस। अब हम इसे एक छलनी में निकाल लेते हैं। कच्चे पपीते में पानी तो वैसे भी ज़्यादा होता है, हमने इसको उबाल लिया है तो ये थोड़ा और गीला हो गया है। तो अब हम इसका पानी सुखा लेंगे। इस समय धूप तेज़ हो रही है, तो 3 घंटे हम इसे धूप में डालेंगे। यदि धूप कम होती है तो आप 4-5 घंटे भी डाल सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है, नहीं तो ये सूख करके टाइट हो जाएगा तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। बस इसका मॉइस्चर निकल जाए, इतना हमें धूप में डालना है। अब हम यहाँ पर मसाले बनाएंगे। 2 चम्मच साबुत जीरा और 4 चम्मच यहाँ पर साबुत सौंफ लेंगे। 1 चम्मच मेथी दाना और 2 चम्मच हमने यहाँ पर धनिया लिया है साबुत। 2 चम्मच काली या पीली, आपके पास जो राई है उसे ले सकते हैं। और इन मसालों को मध्यम आंच पर भूनेंगे। इन मसालों को हमें पीसना है, तो ये ऐसे भी पीस जाते हैं, लेकिन जब अचार में थोड़ा सा भून करके मसालों को डालते हैं तो स्वाद और खुशबू दोनों अचार का बढ़ जाता है। तो मसाले भून गए हैं, इन्हें निकाल लिया है। अब इसी गर्म कढ़ाई में 1 चम्मच कलौंजी, 1/2 चम्मच हींग, कुछ सेकंड के लिए भून लेते हैं। आंच को बिल्कुल स्लो रखेंगे और कुछ ही सेकंड भूनना है। तो ये भून गए हैं, अब हम इन्हें एक कटोरी में निकाल लेते हैं और साइड में रख देते हैं। अब इसी गर्म कढ़ाई को फिर से हम रख देते हैं आंच पर और 1 कप इसमें सरसों का तेल डालेंगे। यदि आप सरसों का तेल बाजार वाला इस्तेमाल करते हैं अचार में, तो उसे गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ये तेल घर का बना हुआ है, इसीलिए हम इसे गर्म करके डालते हैं। अब अचार में डालने के लिए एक और मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर 10 से 15 लहसुन की कलियाँ ली हैं और थोड़ी सी हरी मिर्ची। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब हम इनको दरदरा पीस लेंगे। आप चाहें तो बारीक चाकू से भी काट सकते हैं, लेकिन इस तरीके से दरदरा पिसा हुआ पेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है अचार में। तो ये पेस्ट बन गया है, इससे अचार में तीखापन आता है और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अचार के हमारे मसाले तैयार हो गए हैं। अब हम चलते हैं पपीते को भी उठा लेते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरीके से सूखने के बाद दिखता है, ना ही बहुत ज़्यादा सूखा है और ना ही गीला है, इसका सारा मॉइस्चर निकल गया है। और इस तरीके इसीलिए हमने इसके थोड़े बड़े पीस बनाए थे, क्योंकि जब इसका पानी निकल जाता है तो पीस छोटे हो जाते हैं। अगर आप पहले से बहुत ज़्यादा छोटा बनाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा छोटा छोटा हो जाएगा। अब हम इसमें 2 चम्मच नमक डालेंगे। अचार में नमक थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है, आप अपने हिसाब से डालिएगा। 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, इससे अचार में कलर बहुत अच्छा आता है, अचार इससे ज़्यादा तीखा नहीं होता है।
और भुने हुए बाकी के जो मसाले हमने बनाए थे सारे डाल देंगे इसमें। हरी मिर्ची और लहसुन वाला पेस्ट, हमने जो मसाले भून करके रखे थे ठंडे होने के बाद उनको पीस लिया, फिर पाउडर बना करके डाल दिया है। और हमने कलौंजी को साबुत ही रखा है, तेल को हमने अच्छे से पहले ठंडा कर लिया था, उसके बाद हम इसमें मिला देते हैं। बहुत ज़्यादा तेल इसमें हम नहीं डालते हैं क्योंकि हम इसमें सिरका भी डालेंगे, इसीलिए तेल की मात्रा अभी कम ही रखते हैं। तेल यदि ज़्यादा हो जाता है अचार में तो मसाले इसमें चिपकते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा गीला गीला सा अचार लगने लगता है। अब हम इसमें आधी ग्लास डालेंगे गन्ने का सिरका। यदि आपके पास गन्ने का सिरका नहीं है तो आप इसमें ये वाला सफ़ेद सिरका डाल सकते हैं, जिसे वाइट विनेगर भी कहते हैं। इससे भी अचार में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू आता है। पपीता खट्टा तो होता नहीं है, तो थोड़ी सी खटास के लिए हम इसमें सिरके का इस्तेमाल करते हैं और अचार में खुशबू आती है, लंबे समय तक ख़राब भी नहीं होता है। जब थोड़ा सा ये खाने में खट्टा लगता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। आप चाहें तो इसे सिर्फ तेल में बना सकते हैं और आप इसमें ड्राई आमचूर पाउडर मिला सकते हैं खट्टेपन के लिए। अगर ये थोड़ा सा भी खाने में खट्टा नहीं लगेगा तो खाने में स्वादिष्ट कम लगेगा, इसीलिए हमने इसमें थोड़ा सा सिरका मिलाया है। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये लंबे समय तक चलने वाला अचार बनकर के तैयार हो गया है। और इसे साल भर के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो किसी भी एयर टाइट कांच के जार में इसे भर करके रख लीजिए, धूप दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, साल भर तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, हमारी आज की ये अचार की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।